9 सेकंड न्यूज में उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी खबरें देख लेते हैं। सीतापुर में पौधारोपण के लिए खोदे गए छोटे गड्ढों को देख करके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नाराज हुए। अधिकारियों से कहा, यहां एक भी पौधा खराब नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी तय कीजिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी से तल्खी और संगठन सरकार के बीच तालमेल नहीं होने की खबरों को गलत बताया। कहा, विधानसभा उपचुनाव में हम जीतेंगे सभी 10 सीटें। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने अधिकारियों पर उठाए सवाल। अंबेडकर नगर में कहा, कुछ अधिकारियों की मनमानी रवैये से यूपी की बदनामी हो रही। बीजेपी में बलिया कार्यकर्ताओं की उपेक्षा पर बीजेपी नेता नारद राय का दर्द छलका। कहा कि एसडीएम से लेखपाल तक कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता, वसूली करने नहीं जाते हैं ये कार्यकर्ता। दर्जा प्राप्त मंत्री रही सोनम चिश्ती के इस्तीफे पर बोले मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, सीएम योगी ने सम्मान देने के लिए किन्नर बोर्ड बनाया था, वो बीजेपी के हैं और बीजेपी के लिए काम करेंगे। सोनम किन्नर के आरोपों पर बोले मंत्री ओम प्रकाश राजभर, हमारे नेता हमारे कार्यकर्ता थाने जा रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है, 95% काम भी हो रहा है। यूपी में चौरी चौरा से बीजेपी विधायक सरवन निषाद ने बताया जान का खतरा। संजय निषाद बोले, अधिकारी चाहते हैं निषाद नाराज हो जाएं। गोरखपुर पुलिस ने कहा, दी गई है सुरक्षा। 9 सेकंड न्यूज में अब देश के कोने कोने से कुछ और खबरें हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन की बड़ी तैयारी, उपराज्यपाल और सेना प्रमुख ने जम्मू में हाई लेवल मीटिंग की, अधिकारियों से सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू की बैठक में बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, खुफिया एजेंसीज के बड़े अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में आतंकवाद को रोकने के लिए अभियान को तेज करने के निर्देश दिए गए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा बोले, जम्मू में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने के दुश्मन के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बल कश्मीर मॉडल अपनाएंगे। शिकंजे में नीट पेपर लीक के 3 और आरोपी, सीबीआई ने भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र और पेपर लीक के किंगपिन शशि कुमार पासवान को गिरफ्तार किया। यूपी के अमरोहा में दिल्ली लखनऊ रेलवे लाइन पर जोरदार धमाके के साथ मालगाड़ी के डिब्बे उतर गए। हादसे से अप और डाउन दोनों रेल लाइन बाधित, घंटों तक रेल यातायात प्रभावित रहा। रेल हादसे को लेकर के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। कांग्रेस ने कहा, पिछले 3 दिन में यह तीसरा बड़ा ट्रेन हादसा है, सरकार की अनदेखी से रेल बर्बाद हो रही है। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सुजीत सचेत सम्राट ने बचाव के लिए 12 घंटे तक कोशिश की, व्यापारिक जहाज की मदद के लिए आगे आया भारतीय कोस्ट गार्ड। केरल में निपा वायरस का केस मिला, 14 साल का बच्चा संक्रमित मिला, फिलहाल निजी अस्पताल में इलाज जारी, पीड़ित के संपर्क में आने वालों की तलाश भी जारी। भारत में कोरोना से 2020 में 11 लाख से ज्यादा मौत के दावे पर सनसनी मची, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन को सरकार ने खारिज किया, कहा यह आंकड़ा भ्रामक है। देश में मनाई जा रही है गुरु पूर्णिमा, आज के दिन ही वेद ऋचाओं का संकलन कर वेदों को 4 हिस्सों में बांटा गया, जगत गुरु के जन्म दिवस पर गुरु पूर्णिमा मनाने की परंपरा। आइए अब देख लेते हैं राज्यों से जुड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को कोर्ट से झटका, अदालत ने मनोरमा को 2 दिन पुलिस रिमांड उनकी बढ़ाई, किसानों को धमकाने का आरोप है मनोरमा पर। लखनऊ में राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के खिलाफ केस दर्ज, फर्जी साइन साजिश कर एक कंपनी के निदेशक पद से आशुतोष सिंह को हटाने का इन पर आरोप है। यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी के घर शादी समारोह में मेहमानों का तांता लगा, सीएम योगी ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान दरभंगा में छात्रों का हंगामा, अभ्यर्थियों ने शिक्षकों पर नकल कराने का आरोप लगाया, एक छात्रा को नकल करते पकड़ा गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर आयुष छात्रों ने प्रदर्शन किया, नेशनल एग्जिट टेस्ट के खिलाफ ये विरोध जताया,
पुराने बैच के लिए नेक्स्ट परीक्षा आयोजित नहीं कराने और नए बैच से नेक्स्ट परीक्षा लागू कराने की मांग की। आइए खेल की खबरों का भी अपडेट लेते हैं। नौसिखी न्यूज में कोलंबो में पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी से मुलाकात होगी। बीसीसीआई सचिव अब जय शाह की आईसीसी की बोर्ड बैठक में 22 जुलाई को पाकिस्तान में भारत के खेलने पर जोर दे सकता है पीसीबी। टीम इंडिया का कोचिंग स्टाफ तय। भारत के पूर्व ऑलराउंडर अभिषेक नायर, नीदरलैंड के पूर्व क्रिकेटर रियान टेन डोइशे कोचिंग स्टाफ में शामिल। मोरने मोकल बॉलिंग कोच रहेंगे तो टी दिलीप फील्डिंग कोच होंगे। आज दांबुला में यूएई को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की करने भारतीय महिला टीम उतरेगी। इससे पहले टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट में आगाज किया था। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।